क्लास टेंथ साइंस और ट्वेल्थ फिजिक्स में गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पूरी जानकारी है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग या प्राथमिक भाग जो है वो है उनकी परिभाषाएं कि स्फेरिकल मिरर्स में जो मुख्य अक्ष है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, द्वारक है, इन सब की क्या परिभाषाएं हैं, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण में क्या है, हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण जो होते हैं उनमें एक तरफ इस तरह से पॉलिश की हुई होती है और दूसरी तरफ यह परावर्तक पृष्ठ होता है। तो देखिए यहां ये पॉलिश किया हुआ है और इस तरफ यह परावर्तक पृष्ठ है। यहां देखिए इस तरफ पॉलिश किया हुआ है और यहां यह परावर्तक पृष्ठ है। तो इसमें कौन सा दर्पण अवतल है, कॉनकेव है, और कौन सा दर्पण उत्तल है, कॉन्वेक्स है, यह हम कैसे पता करेंगे। तो ऐसा गोली दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ देखिए इस तरह से अगर ये परावर्तक पृष्ठ होता है तो हम कहेंगे कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है, ये अवतल है, ये कॉनकेव है। इसका मतलब यह है कि गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, मतलब अंदर की ओर कर्व्ड हो, यह परावर्तक पृष्ठ देखिए अंदर की ओर कर्व्ड है, मतलब अगर इसको हम पूरा गोला ले लें तो इस गोले के केंद्र की ओर है, तो ऐसा जो दर्पण है वो कहलाता है अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। तो देखिए गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो उसे हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अगर दबा हुआ है और गोले के केंद्र की ओर है तो हम कहते हैं ये कॉनकेव है या अवतल है। और अगर ये ऐसा है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ देखिए बाहर की ओर है और परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, देखिए आप परावर्तक पृष्ठ किधर है, बाहर की ओर है, तो हम कहेंगे कि ये जो दर्पण है ये कैसा है, कॉन्वेक्स है या उत्तल है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है, बाहर की ओर है। तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ है तो हम कहेंगे ये क्या है, कॉन्वेक्स है या उत्तल है। अब ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की किरणों को हमेशा हमें लेफ्ट से राइट में, ऐसा परिपाटी में है तो लेफ्ट से राइट की ओर लाना है, तो इसलिए शब्द जो है अंदर और बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट की ओर ही हम प्रकाश की किरणों को लेकर आएंगे। तो हमने समझा कि कौन सा दर्पण कॉनकेव है, अवतल है, और कौन सा दर्पण कॉन्वेक्स है, उत्तल है। हमने समझ लिया कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, अगर मान लीजिए इसको पूरा गोला लेते हैं तो उसके केंद्र की ओर वक्रित है, कर्व्ड है, वो अवतल है, कॉनकेव है, और जो बाहर की ओर है परावर्तक पृष्ठ वो कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ है बाहर की ओर है, तो हम कहेंगे वो कॉन्वेक्स है, वो उत्तल है। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखते हैं कि ये दर्पण में जो ध्रुव होता है वो क्या है। तो गोली दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जैसे ये गोली दर्पण है या अवतल गोली दर्पण है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, और ये उत्तल गोली दर्पण है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम कहेंगे उसका ध्रुव, मतलब ये यहां इसका ध्रुव या पोल रहेगा। तो ये अवतल दर्पण का पोल है, कॉनकेव मिरर का पोल है, और यहां ये उत्तल दर्पण का पोल है, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है, मतलब ये उसका ध्रुव है। तो परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर होगा उसको हम कहेंगे उसका ध्रुव, या परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को उसका हम कहते हैं ध्रुव। तो हम समझ गए कि ये गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर है, और ये स्फेरिकल मिरर हमारे दो तरह के हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, और इनके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ध्रुव। अब अगली जो डेफिनेशन लेंगे, हम लेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि इसका वक्रता केंद्र कहां है और इसका वक्रता केंद्र कहां है। तो दोनों तरह के गोली दर्पण में ध्यान दीजिएगा कि ये जो गोली दर्पण है ये गोले का भाग है, ये वाला गोली दर्पण भी एक गोले का भाग है, और वो जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को उस गोली दर्पण का क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। मतलब आप देख लीजिए कि ये दर्पण जैसे इस तरह से गोले का अगर भाग है तो इसका जो केंद्र होगा वो कहलाएगा वक्रता केंद्र, या ये वाला जो दर्पण है ये जिस गोले का भाग रहेगा इसके केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। तो इस तरह से वक्रता केंद्र का निर्धारण इस स्थान पर होगा, या वक्रता केंद्र का निर्धारण हम कहेंगे इस स्थान पर होगा। तो ये गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है उसको हमने कहा था ध्रुव,
और परावर्तक पृष्ठ जो है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वास्तव में ये वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। देखिए ये वक्रता केंद्र जो है क्योंकि दर्पण तो आपका यहीं तक है तो ये वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। यह तो परावर्तक पृष्ठ के कहाँ है बाहर स्थित है। ये परावर्तक पृष्ठ के कहाँ है बाहर स्थित है और उत्तल दर्पण में तो ये दर्पण के कहाँ है पीछे की तरफ है। तो हम कहते हैं कि गोली दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसको डिफाइन करते हैं आप ऐसे कि ये जिस गोले का भाग रहा होगा ठीक है उसके केंद्र को गोली दर्पण का क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से व्यक्त करते हैं। तो ये हमने वक्रता केंद्र की डेफिनेशन को समझा और गोली दर्पण के बारे में समझा। समझने के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो चम्मच होती है उसका अंदर की ओर जो वक्रित पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ जो वक्रित पृष्ठ होता है वो लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है जबकि चम्मच का जो ऊपर की ओर का जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है वो लगभग उत्तल दर्पण जैसा होता है। और हमने ध्रुव और वक्रता केंद्र को डिफाइन किया कि परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो है ध्रुव हो गया और गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग रहा होगा या होता है उसके केंद्र को उस गोली दर्पण का क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। एक्चुअली वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। चलिए आगे कुछ और डेफिनेशंस लेते हैं। हम अगली जो डेफिनेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या एक्चुअली क्या है कि हमने कहा कि गोली दर्पण का जो अभी हमने वक्रता केंद्र की डेफिनेशन ली थी तो हमने कहा था कि ये गोली दर्पण जो है ये जो दर्पण है चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो वो जिस गोले का भी भाग रहा होगा उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं और उस गोले की त्रिज्या को उस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहां वक्रता त्रिज्या PC इज इक्वल टू R हो जाएगी। देखिए ये वक्रता यूं भी कह सकते हैं ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी जो है P से लेकर C तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हम डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चूंकि हमने वक्रता केंद्र को डिफाइन किया है कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तो फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वो गोली दर्पण की कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। मतलब P से C तक की जो दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। P से C तक की जो दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या कहलाएगी और इसे हम R से व्यक्त करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम बोलते हैं। तो हमने समझ लिया कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं उस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां PC इज इक्वल टू R जो है वो वक्रता त्रिज्या या कहें रेडियस ऑफ कर्वेचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली डेफिनेशन लेते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस की। तो देखिए ये ध्रुव से जो वक्रता त्रिज्या ये ध्रुव से P से C से होकर इस तरह से कोई काल्पनिक रेखा अगर आगे की ओर बढ़ जाती है तो हम उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मतलब ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा हमारी क्या कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती। ध्यान रहे मुख्य अक्ष ये दर्पण के ध्रुव पर क्या होती है अभिलंबवत होती है अभिलंब होती है नॉर्मल होती है। तो मुख्य अक्ष की डेफिनेशन तो बहुत इजी है PC से जाने वाली जो रेखा है काल्पनिक रेखा उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो हमारी सीधी काल्पनिक रेखा है वो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष है। वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो उसे हम उसका मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन की ओर आते हैं। यह है मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन के लिए हमें समझना पड़ेगा कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर यह तो मुख्य अक्ष हो गई PC से जाने वाली रेखा है मुख्य अक्ष देखिए यह मुख्य अक्ष है और यह मुख्य अक्ष के समांतर देखिए यहां इस तरफ देखिए अवतल दर्पण में देखिए। तो ये अवतल दर्पण में आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरण है देखिए एक किरण ये ऊपर में मुख्य अक्ष के समांतर ला रहा हूं एक किरण में नीचे मुख्य अक्ष के समांतर ला रहा हूं। अब ये दर्पण से इसका क्या होगा परावर्तन होगा रिफ्लेक्शन होगा। तो परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगी देखिए अभी ये रिफ्लेक्शन हुआ तो ये पहली किरण आई और ये इसका परावर्तन हुआ। तो देखिए ये रिफ्लेक्शन हुआ ये किरण आई और ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ या परावर्तन हुआ। ये देखिए ये किरण आ रही है अब इसका रिफ्लेक्शन होगा ये इसका परावर्तन हुआ। तो देखिए ये किरण आई और इसका ये परावर्तन हुआ। तो ये जिस बिंदु से होकर गुजरी उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो ये लाइनें तो बिल्कुल सेम रहेगी चाहे
अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहें चाहे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहें कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, देखिए यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसे हम कहेंगे, उसे उस अवतल दर्पण का हम मुख्य फोकस कहेंगे। तो हमने क्या सीखा कि जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन के गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण है, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, देखिए जिस बिंदु से होकर जाती है या मिलती है, देखिए इस बिंदु से होकर जा रही है या यहां होकर मिल रही है, तो उसे हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसमें जो मैंने डॉटेड लाइंस लगाई है यही डिफरेंस आएगा, इसके अलावा कहीं डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए यहां भी डेफिनेशन में देख लीजिए कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समय, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित प्रकाश किरण है। अब दर्पण से इनका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो ये दर्पण से आप इनका परावर्तन कर दीजिए, देखिए ये पहली प्रकाश किरण यहां ऊपर की तरफ और ये इसका परावर्तन, अब इसको देखिए यहां ये इसका परावर्तन देख लीजिए, ठीक है। तो ये परावर्तित हो गई और ये देखिए ऐसा लगेगा कि जैसे इस बिंदु से होकर आ रही है। देखिए मैं इसको पीछे लाता हूं, डेश डेश करते हुए आप पीछे लाइएगा, तो ये यहां से, और इसको भी डेश डेश करते हुए पीछे लाइए, तो ऐसा लगेगा कि ये यहां से होकर आ रही है। तो ये जो बिंदु कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। मतलब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हुई, ये लाइनें सेम रहेगी कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से क्या होता है, देखिए मैंने फर्स्ट डेस में लिखा आती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहां से ये आती हुई प्रतीत होती है और यहां से ये होकर जाती है, ये डिफरेंस है। तो जिसमें होकर जाती है वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है और जहां से होकर आती हुई प्रतीत होती है वो उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर का मुख्य फोकस है। ये मैंने एक साथ डेफिनेशन देकर आपको सरल तरीके से बताने का प्रयास किया कि केवल इतना चेंज है कि अगर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोले तो आप कहिएगा कि जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और अगर आप उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की बात करें तो आप कहना कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से मुख्य फोकस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ ही अगर आप फोकस दूरी की बात करें, फोकल लेंथ की बात करें, जिसे हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है, पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है, ये पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाएगी। पी एफ इज इक्वल टू एफ, इसको हम फोकस दूरी कहेंगे। चूंकि ये ध्रुव से लेफ्ट की ओर दूरी चल रही है तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। और यहां देखिए ध्रुव से, ये देखिए इस तरह से राइट साइड में हम लोग जा रहे हैं, तो ये उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। पर फोकस दूरी की डेफिनेशन ये है कि पी एफ जो है वो फोकस दूरी है, मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी है, पी से कैपिटल एफ तक की जो दूरी है वो स्मॉल एफ कहलाएगी, उसको हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो पी एफ इजिकल टू स्मॉल एफ, ये यहां देखिए, या पी एफ इजिकल टू स्मॉल एफ, ये यहां देखिए, ये दोनों ही क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है। डेफिनेशन सेम है, कोई सा भी गोली दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ध्रुव और मुख्य फोकस तक के बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी फोकस दूरी, और इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। और साथ में हमने सीखा कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, और जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसके बाद एक डेफिनेशन और है, वो है द्वारक की, कि द्वारक की अपर्चर क्या होता है, कि गोली दर्पण के जो ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसकी जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, इसका जो व्यास है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। मतलब आप यहां एमएन को आप ये कह सकते हैं कि ये परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार पूरी सीमा है, एमएन, मोटे शब्दों में आप इसको कह सकते हैं मोटे रूप में, कि ये जो परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, मतलब ये एमएन जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये अपर्चर है या व्यास कहलाता है। तो यहां भी ये एमएन को हम इसका गोली दर्पण का सॉरी द्वारक या अपर्चर कहेंगे। तो इस तरह से हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सारी डेफिनेशंस को देखा है, और इनसे संबंधित सारे जो 10th और 12th का पूरा सिलेबस हमने हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। धन्यवाद।